नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और सेकंड पेपर के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस तरह से पूरी तैयारी करनी है। और इसके लिए आज हमारे साथ है कार्तिक सर। कार्तिक सर का 5 बार सेट क्वालिफाई है, तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए संस्कृत के अंदर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना जो स्टूडेंट सेकंड पेपर संस्कृत में तैयारी कर रहे हैं। नमस्ते सर, कैसे आप? सर अच्छे हैं हम। सर जी आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर, और आपका स्वागत है सर हमारे चैनल निमीजी नेट प्रो पे। सर, आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि पेपर सेकंड संस्कृत के अंदर हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम कार्तिक मंडल है। यस सर, बहुत अच्छा सर। और अब हमें ये बताइए सर, आपने जो 5 बार सेट क्वालिफाई किया है, तो उसमें आपको कितनी क्या मेहनत करनी पड़ी, और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से क्या तैयारी करनी चाहिए संस्कृत के अंदर, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सर मैंने एमए के बाद यूजीसी नेट का तैयारी शुरू किया था। यस सर। तो पहले पहले मैंने सेल्फ स्टडी किया था, उसके बाद एक कोचिंग लिया था, लेकिन कोई उसके बाद एक कोचिंग लिया था ठीक है, किंतु उसके बाद कोचिंग कोई फल नहीं मिला। यस सर। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया एवं बहुत ज्यादा फोकस किया पेपर सेकंड के ऊपर। यस सर। अच्छा सर, अब इसमें एक ये चीज आती है सर कि जैसे पेपर सेकंड में हम बात करें तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए नेट के स्टूडेंट के लिए, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैसे तो बाजार के अंदर बहुत सी बुक है। हाँ सर, सर जी बहुत बुक है। उपकर है, एरियंट है, संस्कृत प्रतियोगिता साहित्य है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस के लिए उसका जो एमसीक्यू है वो अच्छे है, लेकिन नेट के तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा उपकृत होगा। टेक्स्ट बुक, हाँ सर, तो हम वही पूछ रहे हैं सर दोबारा, फिर मेरा वही सवाल है, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक बढ़िया है? जैसे संस्कृत के अंदर बहुत सारे सिलेबस है, जैसे वेद के लिए वेद है, दर्शन है, साहित्य है, व्याकरण है। जैसे वेद के लिए हम वेदर पढ़ी चाहिए, जगिराज बसु का एक बुक पढ़ा था। यस सर। इसके बाद शांति बंदोपाध्याय का एक बुक पढ़ा था, वैदिक साहित्य साहित्य रूपरेखा। ऐसे यस सर। दर्शन दर्शन के लिए मैंने पढ़ा था भारतीय दर्शन सार। यस सर। अमरेश बसु का एक बुक पढ़ा था। यस इसलिए साहित्य का तो बहुत टेक्स्ट बुक है, जैसे उत्तरांचलीय अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और ये आता कि अगर मान लो स्टूडेंट तैयारी करे संस्कृत में, तो उनको कितने कितने महीने तैयारी करने के बाद वो नेट क्वालिफाई हो सकता है, और कितने घंटे पढ़ना उसके लिए जरूरी है डेली? सर मैंने इस बात को यही बोलूंगा जे कितने घंटे घंटे तो बहुत ज्यादा से एक विद्यार्थी जब पढ़ना चालू किया तो शुरू शुरू से वो 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे तक पढ़ता है, लेकिन ये जे शुरू किया पढ़ा तो वो पढ़ा को रेगुलरिटी रखना चाहिए। तो वो दिन में 4 घंटा पढ़ेगा, 5 घंटा पढ़ेगा, रेगुलरिटी रखे, रेगुलरिटी रखना बहुत जरूरी है ठीक है। महीने कितने महीने में निकल सकता है नेट और जीआरएफ? 5 से 6 महीने से नेट निकल सकता है। अच्छा सर, तो अच्छे से तैयार कर रहा था। यस सर। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो काफी स्टूडेंट कहते हैं कि ओल्ड पेपर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप बताइए कि ओल्ड पेपर में से कितने कुछ रिपीट होते हैं, हमें करने चाहिए नहीं करने चाहिए ओल्ड पेपर? हाँ सर, ओल्ड पेपर नेट के लिए बहुत जरूरी है। ओल्ड पेपर मोटा 2010 से प्रारंभ करना चाहता है चाहिए। yes. तो ओल्ड पेपर बहुत ज्यादा जरूरी होगा नेट के लिए। अच्छा सर, और इसमें एक चीज और है सर, जैसे अभी हमारा जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है 2019 के अंदर,
तो उसके अंदर कितना क्या कुछ अपडेट हुआ है, जो पहले 2019 से पहले जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस है उसमें कितना क्या कुछ डिफरेंस है? से डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो कहाँ पर 10% डिफरेंस है कि कुछ जिनिस छूट दिया है और कुछ जिनिस के नेट में सिलेबस में लगा दिया गया। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। व्याकरण संस्कृत का जो व्याकरण पार्शन है वो बहुत ज्यादा जुड़ा दिया गया है। और इसके साथ हाँ एक चीज और सर, कि जैसे जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है और आपने जैसे 5 बार सेट क्वालिफाई किया है, तो नेट का और सेट का जो सिलेबस होता है वो सिमिलर होता है या फिर अलग होता है, तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। सर सिमिलर होता है, जो नेट का सिलेबस है वो सेट का वो एक ही सिलेबस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है ये। बोल और मैंने ये भी सुना है, मैंने खुद भी देखा है, कि आप भी बताना, कि जो नेट का जो सिलेबस होता है, जो एग्जाम होता है, वो कहीं ना कहीं नेट के एग्जाम से इजी होता है। हाँ सेट कहीं कहीं पर एक होता है, लेकिन उसका जो फर्स्ट पेपर हो कहाँ से खूब टफ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है तो हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को कि आप नेट के साथ साथ सेट के एग्जाम भी देते रहिए, हो सकता है आपका नेट की तैयारी करते करते सेट निकल जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है हम सभी के हाँ लिए। सर। और अब मैं सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सर है कार्तिक सर, ये आपको संस्कृत पढ़ाएंगे पेपर 2, और पेपर 2 की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इनसे कर सकते हैं, और ये हमारे साथ ही पढ़ाएंगे निमीजी नेट संस्कृत के नाम से एक नया चैनल बनाया है हमने, तो उसके ऊपर आप सभी दोस्त पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी सवाल जवाब पूछना है सर से आप पूछ सकते हैं। सर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने पहले भी पढ़ाया है और सेट भी क्वालिफाई है इनका, और काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है नेट एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, और ये अब रेगुलर पढ़ाया करेंगे हमारे साथ निमिजी नेट संस्कृत चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों घंटे का बटन जरूर दबाना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सके, और दोस्तों वो जो नया चैनल है संस्कृत का उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो भी दोस्त संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे उस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सर हम लास्ट में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या आप स्टूडेंट को कुछ और बात बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं नेट की तैयारी करने के लिए, तो आप बताइए क्या है सजेशन उनके लिए। हाँ सर, मैं नेट एग्जाम देने के लिए जो एलिजिबिली है वो एमए पास होना चाहिए एवं 55 मार्क्स तो होना ही चाहिए। तो एमए का जो पढ़ना है वो तो था थ्योरी बेस्ड पढ़ना है। ठीक है सर, यस सर और थ्योरी बेस्ड पढ़ना है, लेकिन ये जो नेट है, नेट हच्चे बहुत टॉपिक वाइज डीपली पढ़ना होगा। प्रत्येक यस टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो ओल्ड पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उसके उसके साथ साथ डीपीपी अर्थात डेली प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना चाहिए, कारण इस क्वेश्चन सॉल्व नेट के लिए बहुत ज्यादा यस लाभदायी होगा। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट को यही बताऊंगी कि हर रोज 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, हर रोज रेगुलरिटी रखना होगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ एमसीक्यू का सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यस सर अच्छा एक चीज और सर यहाँ पे, कि जैसे अगर संस्कृत से नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके जॉब के चांसेस कितने हैं? संस्कृत लगभग सभी राज्यों में है। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से मैं संस्कृत का जॉब कर सकता हूँ, लेकिन वो बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में है। इसके लिए संस्कृत का जो चाकड़ी व नगरी होगा वो बहुत ज्यादा लाभदायी होगा। लगभग सभी राज्यों में मैंने अप्लाई कर सकता हूँ। यस सर थैंक यू सर, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी व्यूअर से कि वो हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सर।